नमस्कार दोस्तों, हम सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, दस्त हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 बच्चों की होम्योपैथिक टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि आप बच्चों को देंगे तो बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हैबडेको की बीवी फॉस चिल्ड्रन टॉनिक, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है बच्चों के लिए। लगभग 40 सालों से ये होम्योपैथी में बच्चों को दी जा रही है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बच्चों की टॉनिक है होम्योपैथी में दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है ये। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको पीने का तरीका बताऊँगा और क्या काम आती है ये बताऊँगा। तो फटाफट से जान लेते हैं। इसमें कैमोमिला 3X मिला हुआ है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए। जो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, नींद प्रॉपर से नहीं लेते, रात भर जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके लिए कैमोमिला बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फिर इसके बाद इसमें कैल्केरिया काप डला हुआ है दोस्तों। बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से चलते नहीं हैं और लेट चलते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो कैल्केरिया काप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ में अगर लेट बोलना सीखते हैं तो कैल्केरिया काप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें पोडोफाइलम डली हुई है, दस्त के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें चाइना ऑफिस एनालिस डली हुई है, जो कि बच्चों के अंदर ताकत लाती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इसमें कैल्केरिया फॉस मतलब कैल्शियम डली हुई है, बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये बीवी फॉस का दोस्तों। अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है, 6 महीने से छोटे बच्चों को ये टॉनिक नहीं देनी है, 6 महीने से अगर बड़ा है और उसको टीथिंग ट्रबल्स होना चालू हो गई हैं, दस्त वगैरह की प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो ये बीबी फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बच्चे के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और साथ में अगर बच्चे को भूख नहीं लगती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, उल्टी होती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ओवरऑल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 2 साल का है तो इसको लगभग 3 ml देना है दिन में 3 बार। तो 3 ml लगभग 10 ml पानी में इसको मिला के सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसे भी पिलाना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप पिला सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है ये बीबी फॉस टॉनिक, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वो हमेशा हंसते रहेंगे अगर ये टॉनिक पियेंगे दोस्तों। दूसरी टॉनिक है बेबी टोनअप टॉनिक दोस्तों। बेबी टोनअप टॉनिक HSL कंपनी की है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस डली हुई हैं ये बता देता हूँ, और इसमें काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिंस डली हुई हैं तो फटाफट से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा डली हुई है। अल्फ़ा अल्फ़ा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एवनेसेटाइवा इसमें डली हुई है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चाइना ऑफिस एनालिस ये भी ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाइड्रस्टिस ये इम्यूनिटी के लिए इफ़ेक्टिव है। सीना ये पेट में जो कीड़े होते हैं उसको ठीक करती है। चिलिडोनियम चिलिडोनियम भूख बढ़ाती है। लैप्टेंड्रा ये भी भूख बढ़ाती है, और जो बच्चे मोशन काला काला करने लगते हैं उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नक्स वोमिका ये भूख बढ़ाती है, गैस की प्रॉब्लम ठीक करती है। कैमोमिला अगर बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कालमेघ ये भी भूख बढ़ाती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैरिका पपाया ये भी भूख बढ़ाती है बच्चों की, और साथ में इसमें काली फॉस डली हुई है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैल्केरिया फॉस डली हुई है, जो कि बोन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेट्रम फॉस डली हुई है, जो कि लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैक फॉस दर्द में आराम देती है, और फेरम फॉस आयरन है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और फेरम मेड भी आयरन को बढ़ाती है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। तो दोस्तों, इतनी सारी मेडिसिन इस बेबी टोनअप सिरप में डली हुई हैं दोस्तों। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये टॉनिक जो है वो बच्चों की भूख बढ़ाती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है। अगर आपका बच्चा खाने में ना नुकुर करता है और कुछ भी दो तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे और मैगी बस खाएंगे, अगर ऐसा कहता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है दोस्तों। ये टॉनिक जो है वो लगभग 1 साल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको देना चाहिए। 1 साल से लेकर अगर 5 साल का बच्चा है तो बेबी टोनअप टॉनिक 2.5 ml देना है लगभग 10 ml मिल्क में। तो 10 ml मिल्क
2.5 ml बेबी टोनअप टॉनिक, उसको पिलाना है सुबह और शाम को। अब चलते हैं बड़े बच्चों की तरफ। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो इसको 5 ml देना है दिन में 2 बार सुबह शाम, तो बच्चे की पसंद है। अगर उसको फ्रूट जूस पसंद है तो फ्रूट जूस में मिला के दे सकते हैं, अगर पानी पसंद है तो पानी में मिला के दे सकते हैं, दूध पसंद है तो दूध में मिला के दे सकते हैं। लगभग वही 10 से 15 ml दूध, पानी या फ्रूट जूस में ये 5 ml मिला के दिन में 2 बार दीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है बेबी टोनअप टॉनिक। तो दोस्तों ये टॉनिक ज़्यादातर भूख बढ़ाती है, बेबी को टोनअप करने में, मतलब उनकी हाइट बढ़ाने में, उनकी वेट बढ़ाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ गैस, अपच, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस टॉनिक को आप अपने बच्चों को दीजिए जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है और जो ना नुकुर करते हैं खाना खाने में, जिनको खाना अच्छा नहीं लगता, ये टॉनिक पिलाने के बाद उनको खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों लास्ट में बेबी ब्लिस ग्राइप मिक्सचर बाय वीजल विथ पेप्सिन एंड लेसिथिनम। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव ग्राइप मिक्सचर है ये। आप अपने बच्चों को ग्राइप मिक्सचर तो ज़रूर देते होंगे जिनकी उम्र कम होती है। दोस्तों ये आप लगभग 2 महीने के बच्चों को भी दे सकते हैं, 3 महीने के बच्चों को भी दे सकते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। ख़ासकर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और लगभग 1 साल तक के बच्चों के लिए ग्राइप मिक्सचर बहुत ही अच्छा है, जिनके दांत निकलते हैं और दांत निकलने से शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, गैस बनने लगती है और डायरिया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, खाने में ना नुकुर करते हैं, दूध पीने में ना नुकुर करते हैं, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। तो इसमें कैल्केरिया फ्लोर डला हुआ है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैल्केरिया फॉस मतलब कैल्शियम डला हुआ है जो कि टीथिंग ट्रबल्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैल्केरिया फॉस अगर आप ऐसे भी देते हैं टीथिंग ट्रबल्स में तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, दांत अच्छे निकलते हैं, सुंदर निकलते हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम नहीं होती। कैमोमिला इसमें डला हुआ है, इसके बारे में आपको पता ही है। और आगे चलते हैं, इसमें लेसिथिनम डला हुआ है। दोस्तों लेसिथिनम मोस्टली डाइजेशन के लिए भी इफ़ेक्टिव है और साथ ही साथ उनके ब्लड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें मेंथा डला हुआ है जो कि मेंथा पेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओलियम सेंटिलम डला हुआ है, ये भी पेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद इसमें पेप्सिन डला हुआ है, पेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पोडोफाइलम अगर लूज़ मोशंस होते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मोस्टली ये पेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और टीथिंग ट्रबल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर बच्चे चिड़चिड़ाते हैं तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अच्छे से नींद नहीं लेते तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप पढ़ पा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो लगभग 1/2 टीस्पून देना है 3 times a day, मतलब 2 ml देना है दिन में 3 बार बच्चे को। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है और 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच का है तो इसको 1 टीस्पून देना है, तो लगभग 3 से लेकर 5 ml देना है दिन में 3 बार। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपके बच्चों को लूज़ मोशन हो तो ज़रूर इसको दीजिए, अगर टीथिंग ट्रबल्स होती है तो ज़रूर इसको दीजिए। बच्चे बार बार गैस निकालते हैं, गैस पास करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ग्रीन कलर का मोशन होता है बच्चों को तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मोशन में बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बच्चों को शुरुआत में ये मेडिसिन, ये ग्राइप मिक्सचर ज़रूर देना चाहिए। वीजल कंपनी का है। तो ये ग्राइप मिक्सचर कितने का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, तो 95 रुपीज़ का है और बेबी फॉस जो है वो 60 रुपीज़ का है और बेबी टोनअप टॉनिक जो है वो 75 रुपीज़ का है। दोस्तों ये तीनों टॉनिक बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, इन तीनों टॉनिक को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एज में। अगर आपका बच्चा छोटा है, लगभग 2-3 महीने से लेकर 1 साल के बीच का है, तो ये बहुत ही अच्छी टॉनिक है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है। अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 2-3 साल का है तो BV-FOS टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर बच्चा बड़ा है, लगभग 3-4 साल का है या उससे बड़ा है, 10 साल 11 साल 12 साल का है, तो बेबी टोनअप टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये तीन टॉनिक बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है, बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए,
बच्चों की फिज़िकल ग्रोथ के लिए, बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा, और आपको कौन कौन से वीडियोस और देखने हैं ये ज़रूर मैसेज करिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं देखूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।